मम्स मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है एंड देन अचानक से बहुत ज़्यादा एकदम से केसेस सुने हैं तो उसके बाद कुछ साल तक हम थोड़ा इम्यून होते हैं, देन अगेन न्यू वेरिएंट कम्स और फिर एक आउटब्रेक आ जाता है। क्या मम्स से कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? डेफिनेटली कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जिनके रिस्क बहुत कम है, इट्स नाउ ऑलमोस्ट लेस देन 3 or 5%, बट डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे कि मम्स रिलेटेड एन्सेफलाइटिस होती है, तो ये डिजीज़ खुद अपने आप में लंबा कैरी करती है, ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हाई होता है, ये आपको सेंसरी न्यूरल टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस डेफनेस कर सकती है, पैंक्रियाटाइटिस अगर होती है तो वो एक लंबा ड्यूरेशन ऑफ इलनेस होता है, इन सम केसेस किडनीज पे अगर जाती है किडनीज इफेक्ट करती है, आइज में गई तो क्रिएटो यूवेटिस विजन लॉस भी कर सकती है, तो देर आर लो रिस्क ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशन परमानेंट बट यस डेफिनेटली देर आर। ओके एंड सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी को मम्प हुआ है और वो ठीक हो गया तो उसके बाद दोबारा भी हो सकता है? लेस चांसेस बिकॉज वायरल इन्फेक्शन में यूजली जब बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट करती है तो दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, समटाइम लाइफ लॉन्ग, बट यस डेफिनेटली बिकॉज वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है और जो हमारी इम्यूनिटी कई बार उसको कोप नहीं कर पाती है, स्पेशली वो लोग जो थोड़े इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, एक्सट्रीम ऑफ एजेज 60+ लेस देन 2 years के बच्चे, डायबिटिक पेशेंट हो, पेशेंट ऑन डायलिसिस हो, पेशेंट ऑन एनी इम्यूनो सप्रेसिव स्टेरॉइड थेरेपी, कैंसर पेशेंट्स, ये ऐसे पेशेंट्स होते जिनमें बॉडी इम्यूनिटी लो होती है, वायरस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती बॉडी एंड उसमें डिजीजेज ज्यादा होती हैं, तो होने के बाद दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग आउटब्रेक्स जो अभी रिसेंटली ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि हमने राजस्थान, केरला, दिल्ली, NCR इन सब में यहाँ पे हमें आउटब्रेक्स दिख रहे हैं मम्स के। ट्रू मम्स मैंने काफी टाइम पहले सुना था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है एंड देन अचानक से बहुत ज्यादा एकदम से केसेस सुने हैं तो वायरस इज इंटेलिजेंट ना, सो इट्स आल्सो चैलेंजिंग, इट्स काइंड ऑफ लाइक कंटिन्यूअस वार गोइंग बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड वायरसेस, सो दे आर चेंजिंग देयर बॉडी देन चेंजेस अकॉर्डिंग, उसके बाद कुछ साल तक हम थोड़ा इम्यून होते हैं, देन अगेन न्यू वेरिएंट कम्स और फिर एक आउटब्रेक आ जाता है। एक्जेक्टली सर। सर अगर डायग्नोसिस की बात करें तो हाउ मम्स डायग्नोस्ड? Usually it's symptomatic diagnosis because initially fever hota hai, viral flu type, then you develop parotid swellings and this is mostly diagnostic. Still agar hum diagnostic test mein hai to there are serological test, IgM and IgG against mumps virus antibody level titer karate hai, and apart from that we can check from saliva or secretions from oropharynx or earlobe, we do the PCR test and we can identify them, but even if it is not not the tests are not very significant, it is mostly a clinical diagnosis. Other routine tests mein jaise viral conditions mein to hai, once you do a CBC there may be TLC count may be slightly low and ESR CRP will be high, jaise acute phase variant high hote hain, so there are few definitive tests but diagnosis is mostly made on clinical basis. Okay, aur agar sir treatment ki baat ki jaye to treatment supposedly you have only viral parotiditis, the mumps, then hydration, control of fever, control of pain, nothing else, isolation. If there is some complicated conditions like encephalitis, then you have definitely have to treat for that. So encephalitis ka treatment usi ke according hota hai, you have to cool down the brain ke andar swelling, edema agar badh raha hai to usko settle karna hota hai, seizures ho rahe hain to usko control karna hota hai, pancreatitis ka bhi aisi tarah treatment hota hai. So basically symptomatic and depends upon site of infection. Okay, to thoda variation hota hai. Okay, so isse hum ye samajh sakte hain ki treatment jo hai wo aapke kaun se area mein mump hai और क्या लेवल है उसका, किस लेवल पर वो पहुंच गया है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट करता है। एंड सर कोई ऐसे स्पेसिफिक होम रेमेडीज हैं जिससे हम अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं? यस डेफिनेटली पर्सनल हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग आउट, आप क्राउडेड एरिया में आप हैंड शेक कर रहे हैं, आप टच कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, नेजल फेरिंजियल सीक्रेशंस आ रहे हैं, तो बिफोर गोइंग एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड हैंड वॉश कीजिए, फेस वॉश कीजिए, अपने आपको सिम्टम्स आइडेंटिफाई कीजिए, बाहर जा रहे हैं तो ट्राई टू वेयर मास्क जिससे कि थोड़ा प्रोटेक्शन हो, एंड हाइड्रेट करके रखना है, दिस इज़ फेवरेट सीजन फॉर वायरसेस, एम्बियंट टेम्परेचर है वायरसेस के लिए,
हाइड्रेट करके रखिए, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए व्हाटएवर इम्यून जो मॉड्यूलेटर बूस्टर्स होते हैं, जो होम रेमेडीज हैं, ग्रीन टी है, गुड ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अपना एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, हाँ डेफिनेटली ऑल दिस थिंग, तो ये करके रखना है, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा पर्सनल हाइजीन एंड आइसोलेशन। ओके सर, एंड सर मैं ये जानना चाहूँगी कि मम्प की मिस इन्फॉर्मेशन किस तरह से पब्लिक में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? मिस इन्फॉर्मेशन सर, सपोजिटली समवन हैज मम्प्स और उसे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि वो कंटेजियस है या इसके प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, वो घूम रहा है, इज स्प्रेडिंग, अपने घर में ही लोगों को दे रहा है, कॉम्प्लिकेट कर रहा है या प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहा और कॉम्प्लिकेट होके विथ वेरी सीरियस कंडीशन फिर हॉस्पिटल्स में आता है, तो दैट फाइनेंशियल एंड हेल्थ जो कॉम्प्लिकेशन हो तो है ही, एक साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन वंस बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजिली ट्रीटेबल कंडीशन और इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड इन इनिशियल फेज और प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ, यू डेवलप सम कॉम्प्लिकेशन और फिर आप उसके लिए इधर उधर टिक रहे हैं, तो इट्स वेरी हाई बर्डन ऑन सोसाइटी, पर्सनल बेसिस एंड फैमिली ट्रॉमा ऑल्सो। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, तो हम इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं बिल्कुल कि मम्प की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करें एट अ वेरी इनिशियल स्टेज। डेफिनेटली सर, ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे पास, अगर अभी हम रैपिड फायर का राउंड शुरू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है सर, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं इसलिए बस क्वेश्चन हैं। सर सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है, एज अ डॉक्टर आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? डिफिकल्ट है बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरलिंक्ड हो जाती है, ओवरलैप करती है, बट वी ट्राई टू आइसोलेट आवर प्रोफेशनल लाइफ वंस वी आर ऑफ द हॉस्पिटल और जब घर जा रहे हैं या घर पहुँच रहे हैं तो कम से कम डिस्कस करते हैं कैसे इसको। एक कुछ हॉबी है लाइक आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग मूवीज और सीरियल्स, तो मैं वो देखता हूँ थोड़ी देर के लिए, अपने आप को थोड़ा सजेस्ट कर लेता हूँ। ओके सर, एंड सर जैसे जिस तरह से वायरस आते रहते हैं अलग अलग तरह के, तो आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स, दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स बिकॉज पेशेंट्स आर कमिंग विद दिस प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड वी हैव टू रिट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि अभी हम जिस चीज को बहुत यूजुअल वे में ट्रीट करते हैं नाउ दे आर कमिंग विद कॉम्प्लिकेशंस, तो यू हैव टू गो बैक टू योर बुक्स एंड रीड अगेन एंड देन गो टू लिटरेचर, लेटेस्ट लिटरेचर्स, द जर्नल्स, कीप योर सेल्फ अपडेटेड अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, समटाइम्स देर आर फ्यू थिंग्स जो आपने पढ़ी होगी, हो सकता है यू हैव मिस दैट ड्यूरिंग द रीडिंग, बट वंस द patient comes with those things then you recall that thing, so most of the time this is what I can say beauty or curse of this profession that you learn on living objects. Exactly, like you keep on learning. Yes, learning, the patients learning. Pay you for learning. ओके सर, ऐसा हुआ है कभी कि आपने जैसे कि कोई पेशेंट आया हो और आपने मतलब गूगल पे सर्च करके बताया हो कि इसका ये हो रहा है? नॉट गूगल बट यस वी हैव आवर मेडिकल एप्स, मेडिकल बुक्स, देन देयर इज नो शेम, नो वन इज यू नो कंप्लीटली इस प्रोफेशन में, तो यू कैन नेवर से आई हैव रेड एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, सो यस डेफिनेटली अगर पेशेंट है तो आई से देम देख ले, मुझे भी देखना पड़ेगा बिकॉज यू आर कमिंग विद वेरी न्यू थिंग, तो मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा और एटलीस्ट आई कैन गेट एजुकेटेड बाई दिस, एटलीस्ट पता तो चल जाएगा बिकॉज दिस प्रोफेशन हैज गॉट अ वेरी बैड थिंग दैट इज कॉल्ड गॉड फीलिंग, सो वॉट हैपन्स जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं या आपके पास वापस आ रहे हैं दे आर यूजली सेटिस्फाइड विथ योर ट्रीटमेंट और योर टॉकिंग और एवरीथिंग, सो यू गेट ओनली पॉजिटिव फीडबैक्स, द वन हु आर नॉट सेटिस्फाइड दे आर नॉट कमिंग बैक, एंड हार्डली देर आर एनी पेशेंट हु कम एंड देन दे यू नो इंटरसेप्ट यू कि सर आपका ये नहीं है, सही लगा वो नहीं सही लगा, मोस्टली द वन हु कम्स टू यू दे आर सेटिस्फाइड आर ट्राइंग टू गेट सेटिस्फाइड, सो यू गेट द फीलिंग दैट वट एवर आई एम डूइंग इज राइट, दैट इज द वेरी बैड थिंग एंड दैट इज वाई यू नीड टू गो बैक टू योर बुक्स, रीड द लिटरेचर, गेट योर सेल्फ अपडेटेड। बिल्कुल सर, एंड सर मैं तो ये मुझे ये भी लगता है कि आपकी तो मेडिकल बुक्स होती हैं, आपके रिसर्चेस होती हैं, आपका आपको पता होता है कि कहाँ एक ऑथेंटिसिटी वाली इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, बट आजकल क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सब लोग गूगल पर देख लेते हैं एंड देन पता लगता है कि सिर्फ 4 दिन बचे हैं हमारे पास। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सर आपकी कोई फेवरेट बुक मूवी या फिर कोई टीवी शो है जो आप देखना पसंद करते हो अपने खाली टाइम में? मूवीज देर आर टू थ्री मेडिकल बेस्ड मूवीज लाइक गिफ्टेड हैंड्स, देर इज वन नॉन मेडिकल मूवीज लाइक इट्स ऑल रिवॉल्विंग अराउंड डॉक्टर एंड प्रोफेशन, लाइफ ऑफ पाई. Okay, books I refer to, other than medical books, there are a few books which I read. I recently I read about this 12th Fail. That was very inspiring. Nice, yeah. And there is one book called Yatharth Gita. So once you go through this, every day once you read one page, you get new insight into the life. Very nice, sir. मुझे लगता है गीता तो सबको ही पढ़नी चाहिए. डेफिनेटली. सर बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला इंटरव्यू रहा है. जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप प्लीज़ कोई एडवाइस दीजिए. सो मेरी एडवाइस यही है, बीमारियाँ हैं बहुत सारी हैं, मम्स है और अदर कंडीशंस भी हैं. गूगल इज वन ऑफ द हेल्पिंग टूल्स बट नॉट द ओनली टूल. And there is a doctor sitting there who has gone through all these things. और जिसने देखा है पढ़ा है तो consult your doctors. अगर कोई symptoms है just go to your doctor. Don't ignore the symptoms. Keep yourself super fit, hydrated and boost your immunity. अगर symptoms हैं तो अपने doctor को consult कीजिए. Don't waste time. And if there is nothing, just sit back, enjoy and relax. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you.